प्यार साथियों, देखिए सवाल किस प्रकार से हमारे सामने, हमसे कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल के सामने सवाल दिया हुआ है, ठीक है, हमारे सामने दिख रहा है आपको, तो कह रहा है कि 1900 कौन सा ऑप्शन से हो सकता है। उससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पर बताया कि सवाल को शुरू करना चाहिए ना कहीं से, तो हमारे सामने कुछ तरीके से दिया हुआ है और एम माइनस एन दिया हुआ है, यहाँ पर एन है यहाँ पर एम है। अब करना क्या है वो देखिए भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ अभी, इसको ऐसे कर देते हैं 9 की पावर n, देखिए मैं सजा के कर रहा हूँ, आपको सजा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हैं दूसरे को काट सकते हो, जैसे मैं करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 9 बटे 5 में, ये पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे आपस में, यानी कि 3 की पावर कैसे आएगी, माइनस एन बाई टू मल्टीप्लाई माइनस टू, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस में 3 की पावर या फिर इसको 27 कर देते हैं, पता नहीं आगे कैसे चेंज होगा। अब नीचे एक बार देख लेते हैं क्या है हमारे सामने, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई 3 की पावर 3 दे रखा है हमने, और यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब भैया 8 हो गया, तो इक्वल टू में चल रहा है 1/27। चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 की पावर n मल्टीप्लाई 9, और ये 3 की पावर n ही बचा है, अब तो मल्टीप्लाई में 3 की पावर n इक्वल्स टू सॉरी माइनस 27 की पावर n, और अपॉन में आपका 3 की पावर m 3 पावर 3m। मल्टीप्लाई में 8 और ये जो उसको आपका 1/27, ठीक है। चलो तो करना क्या है हमें, देखो अब यहाँ पर ये किसी प्रकार से हम n को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, तो जैसे कि हम पता है कि ये 3 है, यहाँ पर पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, a की पावर अगर m हो तो मल्टीप्लाई में a की पावर अगर p हो काट दे, कौन है ये, लाल दिख रहा, तो लाल दिख रहा, तो काट दे भैया, m और एक पावर b है, मतलब बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो इसका मतलब हो जाता है a की पावर m b, मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है पावर से, ठीक है। पावर सेम करनी है बेस अलग करनी है, रियली सॉरी फॉर दैट, गलत बता रहा हूं भाई, तो जाएगा ना, गलत बता रहा क्या सर, वो नहीं हो सकता, आप गलत बता रहे हो, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर b, जब पावर से जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ती है आपस में, आपने मल्टीप्लाई क्यों करी, इस क्यों का जवाब दीजिए, क्यों का जवाब दे, जोड़ कर गलत कर रहा हूं मैंने, दूसरे बात कर रहा हूं, अरे देखो समझो, मैं कहना चाह रहा हूं जब बेस अलग होता है पावर सेम होती है, मतलब कि मैं एक तरफ ले रहा हूं बेस और दूसरी तरफ ले रहा हूं, लेकिन पावर इनकी सेम है, यहां भी n है और पावर यहां भी n है, मल्टीप्लाई अगर हो रही है तो ये हो जाएगा ए बी की पावर एन बी, ये समझा चाह रहा हूँ सर जी मैं, आगे ना नहीं है छोटी सी मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बेस अगर अलग अलग है हमारे और पावर सेम है तो भैया बेस की वजह से मल्टीप्लाई और पावर आती है ए बी, यहाँ पर देखो बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 27 की पावर n, 9 27 की पावर n लिख सकता हूँ उसको मैं, और माइनस में u 27 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9 की पावर n है, और अपॉन में 3 की पावर 3m, तो मल्टीप्लाई में 8 आ गया आपका, और इज इक्वल टू 1/27। चलो अब क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर हम 27 को पावर n कॉमन ले लेते हैं, 27 की पावर n यहाँ पर कॉमन आया, तो यहाँ बचेगा 9 माइनस 1, नीचे आप देख पा रहे हो कि 3 पावर 3 है, 3 पावर 3 पावर m, देखो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3 m लिखा हुआ है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 की पावर ऐसे m, तो इसका मतलब होता है 27, तो 27 की पावर m आ गई अल्टीमेटली, है 27 की पावर m लिख लेते हैं इसको, इक्वल्स टू 1/27, ये हो गया हमारा 1/27। चलो अब क्या करना है भाई, 9/4 अच्छा मल्टीप्लाई में यहाँ पर 8 बचा हुआ है, यहाँ पर 8 बचा हुआ है, अब ये हो जाएगा आपका 27 की पावर n मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 27 की पावर m मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 1/27, इससे ये कट गया। अब क्या होगा,
कुछ नहीं होगा। हाँ तो हम इसको करेंगे, हमारे पास बचा हुआ 27 की पावर n अपॉन में 27 की पावर m इक्वल्स टू 1 अपॉन 27। क्या करते हैं सर, हम जरा इन दोनों को ऊपर लेके चलते हैं, इसको ऊपर ले चलो, इसको ऊपर ले चलो, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 27 की पावर n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, ये हमने रूल पढ़ा था, अगर आपको याद हो उस तरीके से था कि a की पावर m है और अपॉन में a की पावर n है, तो उसका मतलब होता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है रूल। और यहाँ पर देखिए कैसे काम आएगा, उस तरीके से 1/4 अब ये ऊपर जाएगी तो 27 पावर माइनस 1 हो गया, ठीक है, दोनों बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हमारे यहाँ से आ गया n माइनस m इजिकल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कैसे ऑप्शन n माइनस m और इजिकल, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचेगा, ये हो जाएगा m माइनस n इजिकल्स टू माइनस 1, माइनस n माइनस कट जाएगा, तो m माइनस n इजिकल्स टू हो जाएगा आपका 1, m माइनस n इजिकल्स टू 1, ये तो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे पूरी वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो को दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और मिलते हैं आप सभी वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।